नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल एग्री अकादमी पर स्वागत है। आज मैं आपको इस लेक्चर में आलू की उन्नतशील खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आलू एक प्रमुख फसल है और सब्जियों की जितनी भी फसलें हैं उनमें आलू का विशेष महत्व है। आलू प्रथम नंबर पर आता है और जितनी हमारी खाद्य फसलें हैं, गेहूँ, धान, मक्का, उसके बाद आलू चौथे नंबर पर आता है। आलू का वानस्पतिक नाम सोलानम ट्यूबरोसम है। यह फैमिली सोलानेसी का है, पौधा है और इसमें 48-48 गुणसूत्र पर देख पाए क्रोमोजोम पाए जाते हैं। आलू की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलिविया रीजन से हुई है। इसकी दो प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं, सोलानम ट्यूबरोसम वेराइटी ट्यूबरोसम, जो आजकल ये आलू खाते हैं उसका बॉटनिकल नाम सोलानम ट्यूबरोसम वैरायटी ट्यूबरोसम है। और एक दूसरा भी प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम सोलानम ट्यूबरोसम वैरायटी एंडीजीना है, जो हमारा पुराना टाउन आलू था उसका। जैसा कि आप जानते हैं, आलू को हम लोग एग ऑफ सॉइल भी कहते हैं और इसे स्टेपल फूड के रूप में जाना जाता है। इट कैन नॉट बी ईटन रॉ बिकॉज ट्यूबर कंटेन ए एल्कलॉइड दैट इज नोन एज glycoalkaloid, that is solanin. If the concentration of solanin is more than 20 milligram per 100 gram of edible part, then it is harmful to the human body. Therefore, those potato become green. They should be discarded in edible portion. And aloo अधिक पैदावार देता है हमारी जो सीरियल फसल है उनसे। इट इज ऑल्सो नोन एज ए कैश क्रॉप इन द वर्ल्ड, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली डाइट इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। और इसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सभी सब्जियों के साथ सहभागिता हो जाती है। किसी भी सब्जी के साथ मिला करके इसकी सब्जी बनाई जा सकती है। और इसका कंजप्शन चाइना में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीलोन, बर्मा, थाईलैंड, इजिप्ट, ईरान, इस तरह से देशों में टॉप रैंकिंग में है। इसके मुख्य उगाने वाले राज्य हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। रुकाबाद, सिरसागंज, बदायूं और हापुड़ और खदौली, ये मुख्य स्थान है जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। अब ये थोड़ा सा कंपेरिजन के लिए आपको बताया गया है कि राइस, वीट और पोटैटो में कितनी कैलोरी, कितनी वाटर, न्यूट्रिएंट ये सब पाए जाते हैं। तो राइस में 360 कैलोरी ऊर्जा होती है, वीट में 334 और आलू में 359 कैलोरी ऊर्जा होती है। वाटर कॉन्टेंट अगर देखें, दिस इज डाइवर्सिटी बेसिस, इसमें 13% हीट में, 12% पोटैटो में, 7% होता है। इस तरह से सभी एस, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस सब का विवरण इस स्लाइड में दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, यह रिपोर्ट है। आलू का परिचय। आलू संसार में एक बहुत ही प्रमुख फसल है। खाद्य पदार्थों में जैसे मैंने आपको बताया, गेहूँ, मक्का, चावल के बाद आलू का चौथा स्थान है। संसार की सब्जी यानी फसलों में आलू का प्रथम स्थान है क्योंकि आलू का जो खाए जाने वाला भाग होता है वो एक रूपांतरित तना है। और आलू एक शाकी फसल है जो कंदों के लिए एक वर्षीय और बीज बनाने के लिए द्विवर्षीय या बहुवर्षीय कह सकते हैं। और इसके बढ़ने के लिए, कंदों को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और बीज आने के लिए लंबे फोटो पीरियड और लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका बीज पहाड़ों पर ही बनाया जाता है। आलू को कंदों में पर्याप्त मात्रा में कार्बो, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी एवं खनिज तत्व, लोहा, रेशा आदि पाया जाता है। और आलू एक वर्षीय शीतकालीन लघु दिवसीय फसल है। आलू कंद उत्पादन के लिए एक वर्षीय है और बीज उत्पादन के लिए बहुवर्षीय है या द्विवर्षीय है। आलू गेहूं, धान, गन्ना की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक पैदावार देता है। यदि हम 1 किलो आलू बोते हैं तो लगभग उनको 8 गुना उससे पैदावार प्राप्त होती है। और आलू को पूर्ण आहार भी कहा जाता है, स्टेपल फूड के रूप में, क्योंकि जिन देशों में
या जिन क्षेत्रों में भोजन की कमी होती है वहाँ पर आलू को हम संपूर्ण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। और यूरोपीय देशों में जहाँ पर लोग अधिक शाकाहारी है और जो मांस भी कम खाते हैं वहाँ पर वो चावल के साथ आलू का बहुत सेवन करते हैं। और ट्रॉपिकल जलवायु वाले क्षेत्रों में जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, ईरान, मिस्र, श्रीलंका आदि देशों में इसका उपयोग मुख्य रूप से भोजन के रूप में किया जाता है। और जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन या सीरियल मौजूद है वहाँ पर इसकी सब्जी बना करके इसको उपयोग लाया जाता है। आलू का विभिन्न उपयोग हैं, जिसमें सब्जी है, चिप्स है, कड़ी बनाना, गुजिया, बर्फी, खीर, समोसा, गेहूं के आटे से साथ मिला करके आलू का आटा प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं माड़ी उत्पन्न करने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए, और इससे बेवरेज बनाए जाते हैं, ग्लूकोजाल बनाया जाता है। और इसका औषधि महत्व है, जब कभी अगर कहीं जल जाता है तो जलने वाले स्थान पर यदि आलू के टुकड़े को तुरंत काट करके और पीस के लगा दिया जाए तो उससे फफोले नहीं पड़ते हैं, तो इसका औषधि महत्व भी बहुत अच्छा है। ये इस टेबल में दिखाया गया है कि आलू में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका इसमें विवरण दिया गया है। इसमें ऊर्जा 29 कैलोरी, नमी 91.6%, प्रोटीन 0.5 से 2%, वसा 0.1 से 0.2%, खनिज 0.6%, रेसा 9%, कार्बोज 18%। इस तरह से ये सब दिखाए गए हैं 100 ग्राम मात्रा में ईडिबल, उसमें कितने ये पोषक तत्व हैं। इसमें अतिरिक्त खनिज, लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन B1, B2, निकोटिनामल और विटामिन सी आदि इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये दूसरी टेबल है, दूसरी उसके द्वारा दी गई है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको आलू उगाने वाले प्रमुख देश एवं उनका उत्पादन कितना है। तो संसार में जो क्षेत्र जहाँ पर आलू उगाए जाते हैं उनमें चीन का पहला स्थान है, उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है, रूस का तीसरा स्थान है, यूक्रेन का चौथा, और अमेरिका का पांचवा, जर्मनी का छठा, बांग्लादेश का सातवां। इस तरह से इनका उत्पादन दिया गया है और 10-14 देशों का इसमें डेटा दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। भारत में आलू का क्षेत्रफल और उत्पादन एवं उत्पादकता क्या है आंकड़ों के हिसाब से, जिसको NHB 2015-16 ने रिपोर्ट किया है कि 2013-14 में आलू का क्षेत्रफल 1973.19 हजार हेक्टेयर था, वो 2016-17 में बढ़कर के 2151 हजार हेक्टेयर हो गया है। और इसी तरह से उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, 41,599.38, ये 2013-14 में था, जो 2016-17 में 48,237 हजार मीट्रिक टन पैदा हुआ। और उत्पादकता के हिसाब से देखा जाए तो 2013-14 में उत्पादकता 21.08 थी, जो कि 16-17 में 22.43, ये थर्ड एस्टिमेटेड डेटा है, जो 2015-16 में फरवरी में, और इसको फरवरी 2016-17 में रिपोर्ट किया गया है। आलू उत्पादक राज्य एवं उत्पादन उनका कितना है, ये राज्य के हिसाब से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और उत्तराखंड है। उसका टोटल आलू का उत्पादन 2012-13, 2013-14, 2015-16 में दिया गया है। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से आप देख लीजिए डेटा इसमें दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है और उत्तराखंड में सबसे कम है। आलू की मात्रा किलोग्राम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितनी चाहिए, इसमें अगर देश के विभिन्न देशों का देखा गया प्रतिनिधि, तो उसमें भारत को 20.3 किलोग्राम मिलता है, जबकि चीन 40.81 किलोग्राम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसतन इसका डेटा है, जबकि हमको 36.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। तो इसलिए और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और अच्छी प्रजातियों का उपयोग करके अच्छे से अच्छे उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। जापान में 22.69, अमेरिका में 52.8 और संसार का यदि औसत लेते हैं तो 22.6। ये डेटा FAO 2013 में रिपोर्ट हुआ है, उसका विवरण दिया गया है। आप आलू में उगाए जाने वाले जोन कौन से हैं, पूरे देश को 11 जोन में बांटा गया है, ये आपके सामने दिए गए हैं। नॉर्थ
North India Hills, Northwestern and Central Himalayan region, Northern Hills, Northern Indian Plains, Northern Western Plains, Northern Central Plains, Northern Eastern Plains, Special Problem Areas, Sikkim and North Bengal, Plateau Region, and South Indian Hills. So in this way, the 11 center zones are declared in all over the country. Now I can tell you about the history in brief. The cultivated potato now is known as Irish white round potato. In India, the first mentioned record of potato occurs in the tarish account of a banquet at Ajmer given by Asaf Khan to the honor of Sir Thomas Roy during the year 1615. कहने का मतलब है कि आलू का नाम आयरिश सफेद सफेद आलू के नाम से गोल आलू के नाम से जाना जाता है और इसका जो रिकॉर्ड मिलता है वो 1615 ईस्वी में अजमेर में आसफ खान ने सर थॉमस रॉय के ऑनरशिप में उनके सम्मान में ये एक सभा बुलाई गई थी. उस सभा में उनको ये भेंट किया था. उसके बाद 1675 में इसकी कल्टीवेशन प्रारंभ हुई और सबसे पहले इसका जो किया गया उत्पादन वो सूरत में और कर्नाटक में किया गया. उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे सभी जगहों पर फैल गया और इसका फर्स्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो साउथ इंडिया में इसको 1822 ईस्वी में नीलगिरी पहाड़ पर उगाया गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया. अब आलू के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? पाला रहित, क्योंकि ये पाले के लिए बहुत ही ससेप्टेबल होता है, इसलिए ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पाला ना पड़ता हो इसकी कल्टिवेशन के लिए सबसे अच्छा होता है. कम से कम 3-4 माह तक पाला रहित उचित होना चाहिए. पौधे की वृद्धि और विकास के लिए उचित तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है और कंद बनते समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि जब कंद बनते हैं तो आलू उगने के बाद उसमें से जड़ के पास से स्प्राउट्स निकलते हैं और वो स्प्राउट्स जो है उनसे स्टोलन बनते हैं और स्टोलन का जो आखिरी भाग होता है वहीं पर वो कंद के रूप में उग जाता है और इस तरह से कंद हमारे डेवलप होते हैं. तो रात्रि का तापमान यदि 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है तो कंद निर्माण अच्छे ढंग से होता है और यदि तापमान ज़्यादा हो जाता है तो कंदों का बनना रुक जाता है. तो कंद बनते समय प्रारंभ अवस्था में दिन में 24 डिग्री सेल्सियस और रात में और बाद में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है. 24 से अधिक तापमान होने पर कंदों का बनना रुक जाता है. आलू के लिए भूमि कैसी चाहिए? आलू हल्की मटिया दुमट बलुई दुमट या दुमट भूमि हो सकता है जिसका पीएच मान 5.4 से 6.8 के मध्य हो और उसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो. यदि आपके पास में मान लीजिए मटियार दुमट भूमि है तो उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए आप उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करके आलू की फसल ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छा उत्पादन नहीं देगी. इसके लिए हल्की मिट्टी चाहिए, दुमट भूमि हो या बलुई दुमट हो, और इसमें गोबर की पर्याप्त मात्रा गोबर की खाद डालेंगे तो उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं. अब बात आती है मृदा उपचार के लिए क्या करें. तो जैसा कि आप जानते हो कि प्रारंभ की अवस्था में जब आलू बोते हैं तो उस समय एक कीड़ा लग जाता है कटवर्म, तो उसकी रोकथाम के लिए आप आलू की खेत की तैयारी करते समय उसमें 20 से 25 किलोग्राम फ्यूराडॉन दानेदार 3% का आता है उसको डालें, यूरिया और दूसरे जो खाद होते हैं उनके साथ मिला करके, या थीमेट नामक एक दवा आती है इसकी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है, और इसके अतिरिक्त दीमक और दूसरे जो कीड़े होते हैं उनको मारने के क्लोरीपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मात्रा 2.5 लीटर प्रत्येक 1000 लीटर पानी, जिसको 2.5 लीटर दवा को आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके और खेत तैयार होने के बाद उसमें छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद फिर आलू की रोपाई कर दीजिए और फिर उसके बाद आपको इसमें किसी भी तरह की निराई गुड़ाई नहीं करनी है. उत्तरी भारत में आलू बोने का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय है. मैदानी क्षेत्रों में इसकी 3 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, उसी तरह से इनकी बुआई 3 हिस्से में की जाती है. अगली की प्रजातियों की बुआई 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं. मध्यकालीन जो कि आपकी 80 से 110 में तैयार होती है उसके लिए
15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की बुवाई कर सकते हैं, और जो पछेत प्रजातियाँ होती हैं उनको अक्टूबर अंत से लेकर के नवंबर अंत तक कर सकते हैं। और कभी कभी हमारे मान लीजिए आलू बहुत बड़ा है और छोटा है, छोटे हमको क्षेत्र में लगाना है, तो हम कटा आलू का भी काट करके आलू के टुकड़े, लेकिन आलू के टुकड़े काटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो अखुआ होता है उस अखुआ को बचा करके आप काटें, और काटने के बाद आलू को थोड़ी देर समय के लिए कटे हुए टुकड़ों को छोड़ दें। इससे क्या होता है कि जो कटा हुआ भाग है उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसको सुपराइजेशन कहते हैं, तो उसके बाद फिर उसको आपका वक्तनाशी दवा ब्लाइटॉक्स या डाइथेनम 45 का 10.25% का घोल बना करके 15-20 मिनट के उसमें डुबो के रखिए, फिर छाया में सुखाइए, और छाया में सुखाने के बाद फिर अपने तैयार हुए खेत में जाकर के बो दीजिए। तो कटा हुआ आलू आप केवल नवंबर में बोएंगे, यदि इस समय सितंबर अक्टूबर में कटा आलू बो देते हैं तो वो आलू सड़ जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तराई एवं भावर में 15 अक्टूबर से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर सकते हैं। पहाड़ों पर इसकी बुआई अलग अलग स्थानों पर किया, जो निचले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र उनमें फरवरी से अप्रैल तक कर सकते हैं। सिंचित घाटी में 4,000 फुट की ऊंचाई तक मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक, और सिंचित घाटियों में 5,000 फुट तक इसकी बुआई जनवरी फरवरी में की जाती है, और असिंचित घाटियों में जहाँ 5,000 फुट से अधिक है वहाँ पर मार्च अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं, जो कि इसमें उत्तरी ढलान 7,000 फुट तक का क्षेत्र है उसमें मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। दक्षिण भारत में आलू बोने का भी समय अलग अलग है। मैदानी क्षेत्रों में 3 फसलें बो देते हैं, पहली फसल फरवरी में बोते हैं, दूसरी अप्रैल में बोते हैं, और तीसरी सितंबर में बोते हैं। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में ऊटी और जो दक्षिण भारत के पहाड़ी भाग हैं वहाँ पर भी 3 फसलें बो देते हैं, फरवरी माह में, अप्रैल महीने में और सितंबर महीने में बोई जाती है। तीसरा है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आते हैं, इसमें 2 फसलें ली जाती हैं, एक वर्षाकालीन फसल जिसकी बुआई सितंबर में की जाती है, और एक जो है शीतकालीन फसल जिसकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में की जाती है। मैसूर या कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई में ये 2 फसलें हैं, जिसमें बसंतकालीन ग्रीष्मकालीन फसल है उसमें को अप्रैल से जून तक बोते हैं, और दूसरी जो है शीतकालीन फसल अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक बोई जाती है। अब बात आती है कितना बीज की जरूरत पड़ेगी, तो आलू का बीज उसके आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यदि आकार उसके छोटे आकार का है और 3 से 4 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर है तो 15 से 20 ग्राम उसका वजन होना चाहिए, तो 15 से 20 क्विंटल आपकी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मध्यम आकार है उसका आलू का और 4.5 से 5.5 सेंटीमीटर की उसकी डायमीटर है तो 20-25 ग्राम का आलू है तो 20 से 25 क्विंटल की आवश्यकता होगी, और बड़े आकार के आलू हैं जिसमें 5.5 से अधिक उसका डायमीटर है और 40 से लेकर 50 ग्राम है 30 से 40 क्विंटल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आलू का कंद का भार है 50 से 55 ग्राम का है तो इसमें 40 से 50 क्विंटल की आवश्यकता पड़ती है। तो कटे हुए जो कंद होते हैं वो बड़े आकार के जो कंद होते हैं उन्हीं को काटा जाता है और इसमें 8 से 12 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। अब बात आती है बीज का उपचार। जब आप बीज कहीं से लाते हैं तो प्रमाणित संस्था से प्रमाणित अच्छी वैरायटी का बीज लें और उसको कवकनाशी दवा से अवश्य उपचारित करें। 2 से 2.5 ग्राम दवा कंदों को बोरेक्स के घोल में 0.5% का घोल बनाएं, और उसमें ये आलू अगर आपका 25 से 30 ग्राम का आलू है तो उसको बोरेक्स के घोल बनाइए 0.5% तक, और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए भिगोइए। उसके बाद आलू को एरेटान जो कवकनाशी है, एग्लार है, एरेटान है, इसके 0.25% घोल यानी कि 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसी हिसाब से आपको 10 लीटर या 5 लीटर जितना घोल बनाना है उसमें घोल में बनाइए और 25-30 मिनट के लिए डुबो के रखिए। इसके अलावा थाई यूरिया पोटेशियम थायोसाइनेट का भी 0.5% का घोल बना करके उसको आलू को उपचार के लिए बोया किया जाता है। पहाड़ों पर भी आलू जब जाते हैं तो इसमें 2 समस्या होती है कि मैदानी क्षेत्रों से जो आलू अपने निकाला है उस आलू को आप बीज के लिए उपयोग करते हैं तो वो जल्दी नहीं उगता है क्योंकि उसमें सुप्तावस्था होती है। उस सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए जिब्रेलिक एसिड का आप 1 ppm का घोल बनाइए और 1 ppm का घोल बना करके उस घोल में आलू के कंदों को 1 घंटे के लिए डुबो के रखें, और 1 घंटे में डुबोने के बाद में फिर उनको छाया में सुखाइए, और छाया में सुखाने के बाद उनको फिर अंधेरे कमरे में किसी बोरे में भर करके 6-7 दिन के लिए रख दीजिए, और 6-7 दिन के बाद उसमें अफवाह निकलना प्रारंभ हो जाएगा
उसके बाद फिर उसको आप पहाड़ों में ले जाके बो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैदान का लिया हुआ आलू आप पहाड़ी क्षेत्रों में उगा सकते हैं। इसके अलावा फोर इथाइल क्लीन हाइड्रोजन एक रसायन है जिसका भी उपयोग 3% घोल के रूप में 1 घंटा इसमें डुबो करके उसके घोल में रखते हैं, तो आप इसको उपचारित करके इसमें पहाड़ों के हो सकते हैं जिससे उसकी सुप्त अवस्था खत्म हो जाती है। अब बीज की सुप्त अवस्था जो है शीत भंडार में जब आलू होता है तो 36 से 38 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो वहाँ तक रखा जाता है, तो उसमें सुप्त अवस्था आ जाती है। तो उसको बच्चे आलू को जगाने के लिए या अंकुरित कराने के लिए 1 ppm का घोल बनाइए और 1 घंटे में डुबो कर रखिए, और उसके बाद फिर उसको 7-8 दिन के लिए बंद कमरे में जिसमें कि थोड़ा हवागमन हो लेकिन अंधेरा हो, प्रकाश ज़्यादा ना हो, बोरों में भर के रख दीजिए। 7-8 दिन के बाद उसमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसकी आप बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा 4-ethylene क्लोरोहाइड्रिन नामक दवा भी आती है जिसके 3% घोल को बना करके और उस घोल में भी आप आधा घंटा से लेकर के 35 मिनट तक रख सकते हैं और उसके बाद फिर पन्नों को बुवाई कर सकते हैं। अब बात आती है खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी लगेगी। तो आलू की अच्छी फसल लेने के लिए आवश्यक है कि खेत आपका उपजाऊ होना चाहिए, तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि कोई भी फसल आप लेते हैं तो मृदा की जाँच करा लें, और मृदा की जाँच कराने के बाद ही यदि आप उर्वरक का उपयोग करेंगे तो ये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा। और यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है, आप मिट्टी की जांच नहीं करा पाए हैं और आलू की फसल लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से मैंने बताया आपको कि आपकी बलुई दोमट या दोमट भूमि होगी उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से डाली जाती है, और कंद रोपण की तिथि से 20 से 25 दिन पहले इसको खेत मिला करके आप अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद क्षेत्रों के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की मात्रा बताई गई है। तो मैदानी क्षेत्रों में नाइट्रोजन की मात्रा 150 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम एंड पोटेशियम 100 किलोग्राम। तराई क्षेत्र में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटाश। पर्वतीय सिंचित क्षेत्रों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश। पर्वतीय क्षेत्र असिंचित हैं तो वहाँ पर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एंड 80 ग्राम पोटाश होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका जो नाइट्रोजन बताई गई है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की संपूर्ण मात्रा को आप कंद रोपने से पूर्व 20% के रूप में डाल दें, और बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट करके पहला भाग 30-35 दिन की अवस्था पर और दूसरा भाग आप उसका 60-65 दिन की अवस्था पर फिर फसल दे सकते हैं। और पर्वत में जो असंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। आलू की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, ये परिपक्वता के आलू के मैच्योरिटी के हिसाब से 3 प्रकार की प्रजातियाँ बताई गई हैं। अगेची प्रजाति जिनके कंद 60 से लेकर 80 दिन तैयार हो जाते हैं, मध्यम प्रजातियाँ जिनके कंद 80 से 100 दिन तैयार हो जाते हैं, और पिछड़ी जातियाँ जिनके कंद 100 से 120 दिन में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी अगेची प्रजातियों में अभी कुफरी चंदमुखी, कुफरी आनंद, कुफरी शैलजा, कुफरी अशोका ये सब बताई गई हैं। मध्यम वाले में कुफरी बहार, कुफरी अलंकार, कुफरी लालिमा, कुफरी बादशाह, लवकार इस तरह से, और पछेती में कुफरी सिंदूरी आदि। कुफरी सिंदूरी है, कुफरी सदाबहार है, कुफरी सूर्या है, कुफरी जीवन है, कुफरी गिरराज है, कुफरी फ्राइस होना है एंड कुफरी कुंदन है, कुफरी शेरपा है, मेगा है। इस तरह से बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, उनका आप चुनाव करें। और उसके हिसाब से मैदानी क्षेत्रों के लिए बताया गया है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं और किस चीज़ का कितना काल समय है मैच्योर होने का और कितनी उसकी औसत पैदावार होती है, इसका एक चार्ट टेबल में दिखाया गया है। इसी तरह से यार ये दूसरी उसी का कंटिन्यूएशन में है, दूसरी टेबल कुखरा चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, कुखरी जवाहर, चिप्सोना 4, इस तरह की प्रजातियाँ हैं। इनकी ये अवधि है कितने समय पर इनके कंद तैयार हो जाते हैं, ये इनकी औसत पैदावार दी गई है। ये चौथी टेबल है, इसमें भी प्रजातियों के बारे में ही बताया गया है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियों में कौन कौन सी प्रजातियों उपयुक्त है, कुफरी ज्योति, कुफरी लबकार, कुफरी बहार, कुफरी बादशाह,
601 ये इसको दर्शाया गया है और इनकी अवधि कितने में तैयार होती है और कितनी उनकी तन की पैदावार होती है उसको इस टेबल पर दिखाया गया है। अब पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में भावर क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजाति कहाँ कहाँ उपयुक्त पाई गई है और उसके किसान उसको उगा सके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जैसे घाटियों में मध्य ऊंचाई तक कुफरी ज्योति अशोका सतलज कुफरी बहार इसको उगा सकते हैं। तराई से भावर क्षेत्रों में कुफरी अशोका कुफरी जवाहर कुफरी सतलज बहार कुफरी बादशाह कुखराज ये प्रजातियाँ हैं। अब आलू की कौन सी विदेशी प्रजातियाँ हैं, इसमें आल ब्लू येलो फाइन रोज फाइन पर्पल मेरुवियन रेड थम रेड गोल्ड एंड आल रेड ये कुछ विदेशी प्रजातियाँ हैं जो कि कहीं कहीं पर पाई जाती हैं। अब आलू के कंदों की बुआई की विधि एवं दूरी, तो आप जब खेत को तैयार कर लेते हैं जुताई करके एक बार गहरी जुताई हल से करें उसके बाद 3-4 बार हैरो काटा चला करके खेत को समतल कर लें और खेत में हल्का सा ढलान रखें जिसके खेत का पानी के उससे बाहर जा सके। और आलू के कंदों की 3 प्रकार से बुआई की जाती है, एक समतल में बुआई कर देते हैं फरो बना करके 60 सेंटीमीटर दूर पर कतारें बनाते हैं और कतारों 15 से 20 सेंटीमीटर आलू के कंद के अनुसार उसकी रोपाई करते हैं। इसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रहती है, कंद से कंद की 15 से 20 सेंटीमीटर। दूसरी बुआई मोहे पर करते हैं, 60 सेंटीमीटर दूर पर आप कतारें बना दीजिए और कतारों में फिर आलू के कंद जो है अगर छोटे हैं तो उनको नज़दीक लगाइए और बड़े हैं तो 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर लगा सकते हैं। और तीसरा विधि है ये इस वाली विधि में और मैणों वाली विधि में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया। समतल खेत में आप बुआई करिए और बुआई करने के बाद उसमें परवार डाल दीजिए। जब आलू आपका उगने लगता है तो उस समय बीच में जो स्थान खाली बचता है उसमें आप गन्ने की सूखी पत्ती पेड़ों की पत्तियाँ या कांस को डाल करके उसका परवार डाल दीजिए और उसमें हल्की सिंचाई जब जरूरत हो डाल दीजिए। तो परवार डालने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो नमी संचित रहती है, दूसरी वो तापमान को बनाए रखती है और तीसरी उसमें खरपतवार नहीं होते हैं तो उससे उसमें पैदावार में काफ़ी फायदा होता है। तो आप इस विधि को कई कई लोग अपनाते हैं और अच्छी विधि है। अब सिंचाई की बात आती है कि आलू की फसल कितनी पानी की आवश्यकता होती है। आलू की जड़ें उछली होती हैं, उछली जड़ें होने के कारण इसको 12 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। 12 एकड़ का मतलब है 1 एकड़ खेत में 1 इंच पानी अगर उठा हुआ रखते हैं तो पानी का जितना अमाउंट टोटल आएगा वो 1 एकड़ इंच कहा जाएगा। तो इसी तरह से टोटल पीरियड में आलू की जितनी आपके पीरियड है उसका 3 महीने का 4 महीने का तो उसी हिसाब से उसमें कुल पानी की जो आवश्यकता पड़ेगी वो 12 एकड़ इंच पड़ेगी। तो उसमें से आपको पलेवा के रूप में एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी है नहीं है तो एक पलेवा करिए और उसके बाद फिर जब कंद बो देते हैं तो जब कंद कम से कम 5 से 10% निकलना आरंभ हो जाते हैं तब पहले सिंचाई करें। और ये ध्यान रखें यदि आपने बुआई मेड़ों पर करी है तो मेड़ों को पूरी तरह से पानी में डूबने ना दें, मेड़ के 1/3 हिस्से तक पानी जाना चाहिए, मतलब ऊपर वाला 1/4 हिस्सा उसका खाली रहे, 3/4 तक पानी भर जाए और 1/4 खाली रहे। यदि पूरा भर देंगे तो उससे कभी कभी अधिक तापमान और अधिक नमी होने की वजह से कंद सड़ जाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हल्की मृदा है तो उसमें 7 से 8 मिनट के अंतराल से आप सिंचाई करें और यदि थोड़ी मौसम ठीक ठाक है, मौसम में अगर ज़्यादा समय तक सूखा रहता है तो ये आप 10 दिन भी कर सकते हैं। कम से कम 3 से लेकर 6 सिंचाई की आवश्यकता पूरे सीजन में पड़ती है, इतने में आपका आलू तैयार हो जाता है। अब आते आती है कर्षण क्रियाओं की। कंद रोपण के 20-25 दिन तक आप यदि आपने खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग किया है तो निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 30-35 दिन के बाद आप जो है हल्की निराई गुड़ाई करिए। निराई गुड़ाई करने के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग डालिए और टॉप ड्रेसिंग करने के बाद मिट्टी चढ़ा दीजिए। और मिट्टी चढ़ाने के बाद में यदि जो जो दो कतारें हैं यदि कोई फसल नहीं आजकल इसमें टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आप उसके बीच में सरसों उगा सकते हैं, गेहूं उगा सकते हैं, सब्जी की कोई फसल ले सकते हैं या उसमें परवार डाल दीजिए। तो इससे परवार से क्या होगा, खरपतवार नहीं हुएंगे, नमी संचित रहेगी और उससे आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। और एक आता है हाल्व कटिंग। हाल्व कटिंग का मतलब है कि जब आपके कंद तैयार हो जाते हैं तो कंदों के तैयार होने के बाद जब पकने लगता है तो खुदाई से
10-15 दिन पहले उनकी पत्तियों को काट दिया जाता है। तो पत्तियां काटने से क्या होता है कि हमारे कंद जो है उनका छिकल जो ऊपर का होता है, कभी कभी खोदते समय जब कंद खोदते हैं तो उसके ऊपरी स्किन हट जाती है, जिसकी वजह से आलू की गुणवत्ता खराब हो जाती है। आलू को फिर बाजार में कम लोग खरीदते हैं, तो उसको ऊपर के छिकल को सख्त करने के लिए आवश्यक है कि आप 10-15 दिन पहले उसकी पत्ती काट लीजिए। और पत्ती काटने के बाद यदि कोई आलू आपको कहीं ऊपर जमीन दिखाई देता है तो उसको खुरपी की मदद से मिट्टी के अंदर कर दीजिए, क्योंकि अगर बहुत समय तक वो आलू खुला रह जाता है तो वो हरे रंग का हो जाएगा, और हरे रंग का होने के नाते से उसके अंदर सोलेनिन डेवलप हो जाएगी प्रकाश से मिलकर, और वो सोलेनिन बन जाने की वजह से फिर वो आलू खाने योग्य नहीं रहता है। इस तरह का आलू बीज के लिए तो बहुत उपयोगी है, बीज में उपयोग में आप ला सकते हैं, लेकिन खाने के मतलब का नहीं होता है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स जो मैंने बताया आपको सोलेनिन, ये अल्कलाइड बन जाता है, और उस अल्कलाइड जो है खाने में हमारी शरीर को नुकसान करता है। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो निराई गुड़ाई आप खुरपी से कर सकते हैं, हैंडलो से कर सकते हैं, कुदाल से कर सकते हैं, पतला पतला जिसकी भाल हो, और या फावड़े से कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपने किस तरह का यंत्र अपना रखा है। तो एक तो ये मैनुअली आप कर सकते हैं, दूसरा है खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करके कर सकते हैं। तो आलू के कंद बोने के बाद में जब 5-10% तक उसके कंद उगने लगते हैं तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ग्रेमेक्सोन एक दवा आती है, उसकी 1 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके उसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो ये आपकी फसल को खरपतवारों से बचा देती है। प्रमुख रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें अगेती झुलसा है, ये पानी की कमी से लगती है। इसमें डाइथेनम 45 का घोल बना करके और उसका 3-4 छिड़काव आप 15 दिन के अंतर से कर देते हैं तो इस रोग से बचा जा सकता है। दूसरी बीमारी है पछेती झुलसा, फाइटोप्थोरा से ये होता है, ये अधिक पानी की वजह से होता है और इससे 24 घंटे में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए आप डाइथेनम 45 का घोल बना के उसके 3-4 छिड़काव कर दीजिए, और इसको अच्छा हो कि एक छिड़काव डाइथेनम 45 से करें और दूसरा छिड़काव रेडोमिल से करें, फिर तीसरा छिड़काव डाइथेनम 45 से करें और चौथा छिड़काव रेडोमिल से करें, तो इस तरह से अल्टरनेट करते हैं तो इस पछेती झुलसा से बचा जा सकता है। और कभी कभी ब्लैक स्कैब, इसमें बोरेक या बोरिक एसिड के नाम से दवा आती है, उसका 0.3% का घोल बना के, यानी कि 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसका घोल बनाएंगे तो 0.3% का घोल बन जाएगा, और इसको 15-20 मिनट तक उसमें डुबो करके और उसके बाद उसकी बुवाई करते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। उसके बाद आता है ब्लैक स्कर्फ, इसमें काली रूसी हो जाती है, इसमें कंदों को आप उपचारित करके कवकनाशी दवा से उपचारित करें, जिसमें ब्लाइटॉक्स है, एरेडान है, एग्लान है, इससे उपचार करके बोएंगे तो आप इस रोग से बचा सकते हैं। उसके बाद पछेती झुलसा से बचने वाली बीमार प्रजातियाँ हैं, खोपी बादशाह है, खोपी ज्योति है, इनमें अगेती और पछेती झुलसा नहीं लगती है, तो आप इन प्रजातियों का चुनाव करके इनको लगा सकते हैं। अब इसमें प्रमुख कौन कौन से कीट लगते हैं, एक कुतरा कीट लगता है, एपिलग्ना बीटल कीट लगता है, माहू लगता है, बिहारी हेयर के पेपर लगता है, तेला और सूत्रकृमि, ये कुछ प्रमुख कीड़े हैं। कुतरा कीट से बचने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूरोलॉन 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप बुवाई के समय जब खाद यूरिया वगैरह डालते हैं, यूरिया फास्फोरस पोटाश, उस समय मिला करके उसके डाल दीजिए तो इससे बचा जा सकता है। एपिलग्ना कीट से बचाने के लिए आप फसल पर 0.1% का एमिडाक्लोपिड दवा का छिड़काव कर देते हैं तो इससे बचा जा सकता है। माहू से बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो आप मेटासिस्टा दवा 0.1% को लें, और यदि दवा नहीं छिड़कना चाहते हैं तो आप सिंपली 2-3 ग्राम सर्फ पाउडर 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर देते हैं तो वो माहू मर जाता है, चाहे वो किसी भी फसल में हो, आलू में हो, गेहूँ में हो, टमाटर में हो, या मिर्च में हो, किसी फसल में हो। बिहारी हेयर कटर पर से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे रोकने के उपाय करें ऐसे खेतों में जहाँ के आसपास पॉपुलर के पौधे लगे हों, वहाँ पर आलू न उगाएं, क्योंकि पॉपुलर के पेड़ों पर कीड़ा पनपता है और उसी समय पत्तियाँ उसकी गिर जाती हैं तो वो फिर बाद में फसल को नुकसान कराता है। तो आप खेत के चारों तरफ या तो 1 फीट गहरी चारों तरफ नाली बना दें और उसमें पानी भर दें तो बाहर से कीड़ा आपके खेत की तरफ आएगा ही नहीं, या इस तरह से अगर नहीं कर सकते हैं तो आप खेत की मेड़ के चारों तरफ
बीएससी दवा या सेविन दवा आती है, इसकी एक लेयर चारों तरफ उसकी दवा को डाल दें और 0.2% का घोल बना करके आप इसको छिड़काव, क्योंकि इसके ऊपर रोएं होते हैं, इस पर किसी दवा का असर नहीं होता है, तो इसको अगर रोकेंगे तो रोकने का ज़्यादा प्रभावशाली है वनस्पति स्प्रे करने के। तो इसके रोकने के दो उपाय हैं कि इसके चारों तरफ मेड़ों पर आप कीटनाशक दवा सेविन या बीएससी या कोई और दवा आपको मिलती है तो उसको लगते हैं। तेला एक कीड़ा लगता है जैसे जिसको कहते हैं, ये पत्ती के नीचे सतह पर होता है, चूसने वाला कीड़ा होता है, माहू भी चूसने वाला कीड़ा होता है। इससे बचाने के लिए आप 0.1% का घोल बना करके 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर देते हैं तो अपनी फसल को बचा सकते हैं। 15 से 20 दिन में एक छिड़काव कर देना चाहिए। सूत्रकृमि या निमेटोड की समस्या होती है तो ऐसे खेत जहाँ पर निमेटोड की बहुत समस्या है उसमें आप 20 से 25 क्विंटल लकड़ी का भुराला खेत में डाल देते हैं तो इस सूत्रकृमि से बचा जा सकता है। या आप नीम की खली 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देते हैं तो सूत्रकृमि से फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा आलू में विषाणु रोग भी लगते हैं जिसमें वायरस ए, वायरस एक्स, वायरस वाई है और ये विषाणु रोग मुख्य रूप से माहू और सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप मेलाथियन दवा 0.1% या मेटासिस्टॉल दवा 0.1% का घोल बना करके तो उसका छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर से करते हैं तो आप इन कीड़ों को बचा लेंगे जो पत्तियों रस चूसते हैं, तो आप इस पर तो कीड़े से बचाकर आप वायरस वाली बीमारी से बचा सकते हैं। यदि फिर भी कोई वायरस का पौधा आपको दिखाई देता है तो उस पौधे को आप फाड़ करके तुरंत खेत से बाहर कर दीजिए, गड्ढा खोद के उसको दबा दीजिए। और जो बीज वाली फसल होती है उसमें आपको इसे बचाने के लिए पत्तियों को काटना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया आपको पत्तियों की हाल कटिंग या पत्ती काटना, इससे कंद को कठोरता प्रदान करने के लिए, उसके छिपकल को मजबूत करने के लिए ये पत्ती काटना बहुत आवश्यक होता है। और तो उसके बाद 8 से 10 दिन तक उसे खुला छोड़ दीजिए और फिर कंद की खुदाई कर लीजिए और कंद की खुदाई करने के बाद फिर उसको जो कंद हैं आपके उनको किसी छाया में किसी पेड़ के नीचे या किसी झोंपड़ी में रखें और वहाँ पर फिर उनकी छटाई करें और छटाई करने के बाद आकार के अनुसार उनकी ग्रेडिंग कर लें। छोटे आलू, बड़े आलू और सबसे बड़े आलू उनको 3-4 ग्रेड में आप बांट करके अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से आप जो है। और यदि कोई कंद आपको दिखाई देता है ऊपर पड़ा हुआ है तो उसको आप मिट्टी से ढक दीजिए। अब कंद परिपक्वता के क्या लक्षण हैं और कैसे खुदाई करेंगे, यदि कंद परिपक्वता वैरायटी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप बोई हुई वैरायटी अगेती है तो 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और मध्यम किस्म की है तो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और देरी से बोने वाली या पछेती है तो 110 से 120 दिन तैयार होती है। तो उसके अनुसार देखिए आप कि पकने पर इनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं और पत्तियों का सूखना है मारना, इसके लिए आप ग्रेमेक्सोन दवा 0.5% का घोल बना के भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि ग्रेमेक्सोन है कि घास को मारने वाली है, नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड है तो ये सभी उसको मार देता है। तो इसका प्रयोग जो है बीज वाली फसल में करें, जो बीज के लिए आपने उगाई तो ज़्यादा बेहतर होगा। पत्ती काटने के बाद कंदों की आप खुदाई करें 20-25 दिन के बाद में और उसके बाद फिर उनको छाया में सुखाएं और सुखाने के बाद उसको क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग जितनी होगी क्योंकि उसमें जो आवश्यकता से अधिक नमी है और आवश्यकता से अधिक तापमान है, फील्ड हीट जिसे कहते हैं, वो अगर बहुत है तो आपका ज़्यादा तापमान और अधिक नमी की वजह से आलू सड़ जाएंगे। इसीलिए आप झोंपड़ी में या ठंडे स्थान पर एक तह में आलू को सुखाने की कोशिश करिए और हर दूसरे दिन आलूओं को पलटते रहिए जब तक वो उनकी हीट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। 10-15 दिन के बाद फिर उनको छांट करके छोटे बड़े मध्यम आकार के अलग अलग कर दीजिए, फिर उनको बोरों में भर करके आप उनको प्रोसेसिंग प्लांट पर भेज सकते हैं या शीत भंडारगृह में जहाँ आपको भंडार करना है वहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन शीत भंडारगृह में भेजने से पहले आलू के अंदर जो भी कटे कटे आलू हों उनको निकाल के बाहर कर दीजिए, किसी बीमारी से, किसी कीड़े से या उसका छिक्कल किसी वजह से फट गया है या कट गया है, तो इस तरह के जो डैमेज आलू हैं जिनमें किसी भी प्रकार का घाव है उनको आप निकाल के अलग कर दीजिए और अलग करने के बाद फिर आप आलू को बोरों में बंद करके और शीत भंडारगृह में भिजवा दीजिए।
अब है आलू के कंदों की पैदावार। आलू के कंदों की पैदावार भी प्रजाति के ऊपर निर्भर करती है। अगेती प्रजातियाँ आपकी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं, मध्यम प्रजातियाँ 250 से 300 क्विंटल, ये औसत उपज है। अछेती प्रजातियाँ 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती हैं। अब आलू का भंडार, आकार के अनुसार कंदों का चुनाव करें। सामान्य कमरे के ताप पर बालू के ऊपर एक सिंगल लेयर में आलू के कंदों को बिछा करके आप उनको 10-15 दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद शीत भंडार गृह में उनको 36 से 40 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पर, जहाँ पर अपेक्षित आर्द्रता 80 से 90% हो, भंडार करिए। और उसके बाद भंडार गृह में रखने से पूर्व अच्छी तरह से उसमें नमी कम कर दीजिए, जिसे क्योरिंग कहा जाता है। नमी कम रहेगी तो आपका आलू जो है सुरक्षित बचेगा, और नमी बहुत ज़्यादा होगी और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आलू बहुत सड़ेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो किसी वजह से आलू में हो जाते हैं। एक तो मैंने दिखाया था आपको, ये ग्रीनिंग हो जाती है। ग्रीनिंग का मतलब है कि आलू यदि आपका खुला खेत में रह गया, आपने पत्तियां काट दी और आलू खुला रह गया है, तो सूर्य के प्रकाश से इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया आरम्भ हो जाती है और आलू हमारा हरे रंग का हो जाता है। इस प्रकार के आलू खाने के योग्य नहीं होते हैं, लेकिन ये बीज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये सड़ते नहीं हैं और इनकी जो ऊपर का त्वचा है बहुत ही हार्ड हो जाता है। दूसरी वह है ये हॉलो हार्ट। ये जो हॉलो हार्ट है ये कभी कभी पाया जाता है, और इसका मुख्य कारण है कि सिंचाई की कमी हुई है और उसमें पानी ठीक से नहीं लगा है, या नाइट्रोजन की अधिकता हो गई, उसकी वजह से ये हॉलो हार्ट की डिजीज पैदा हो जाती है। और कभी कभी ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिलते हैं, ये दिखाए गए आपको, इसके ऊपर काले काले भी हो जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये स्टोर की समस्या है। जब तापमान आपका 40 डिग्री सेल्सियस हो और वहाँ पर हवा की कमी हो, तो इसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है, उसकी वजह से ये आलू काले पड़ जाते हैं। ये दिखाया गया है ग्रीनिंग, ये आलू पहले की स्थिति है, ये अलग से आलू दिखाया गया, इसमें हरे हरे हो रहा है, और इस स्थिति है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, कमी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हवा नहीं मिल पाती है इस वजह से। और इस तरह के जो होते हैं ये हॉलो हार्ट एक्सिस नाइट्रोजन की वजह से होते हैं और एक्सिस इरीगेशन की वजह से होते हैं। तो इन चीज़ों का आप बचाव करेंगे, समय पर उन्हें पानी देंगे, समय पर उन्हें नाइट्रोजन देंगे, तो ये हॉलो हार्ट की बीमारी नहीं होगी। और कभी कभी एक ब्लैक स्कैब की जो बीमारी होती है, इसके ऊपर ऊपर आप देखा हो, कभी कभी काली काली रूसी जम जाती है या काले काले लीजन्स बन जाते हैं, तो और ये बहुत कॉमन है। लेकिन ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 4.8 से 5.4 के मध्य में होगा और उसमें आपने खेती कर रखी है, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं, और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।